नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान को सब्सक्राइब करें हेल्दी नॉलेज के लिए। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से परेशान है, जिसकी वजह से आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं अमेरिका और चीन एक दूसरे पर कोरोना को फैलने के लिए दोषी मान रहे हैं। वायरस का जनक चीन, ये दुनिया भर में प्रचलित हो गई है। अमेरिका कहता है कि हमने वायरस नहीं बनाया, चीन कहता है हमने वायरस नहीं बनाया। तो किसने वायरस बनाया, इसकी विचार की धारणा को हम ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। 1720 में बेबोनिक प्लेग की महामारी एक घातक महामारी थी जो कि फैली थी। ये सबसे पुरानी महामारी है। इस बीमारी को ब्लैक डेथ ताऊ भी कहा जाता है। ये अत्यंत ही शक्तिशाली बीमारी थी, खतरनाक बीमारी थी। इसका प्रभाव तब होता है जब मनुष्य को थोड़ी सर्दी हो जाए, जुखाम हो जाए, और ये टेसन के पत्तों से भी होता है, यानी ये पौधों के ज़रिए भी फैल सकता है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। दूसरा सन 1820 में फैला था। इसे हैजा या मार्सले भी कहा जाता है। मार्सले इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस का एक शहर मार्सिले है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से ये पूरी दुनिया में संचार हुआ था। ये बहुत ख़तरनाक था। इसे विसूचिका भी जाना जाता है एवं इसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये एशिया से ही अलग अलग देशों में फैली थी। जब मनुष्य गलत बुरा खान पान खाता है, दूषित खान पान खाता है, तभी यह महामारी फैलती है, तभी यह महामारी होने की संभावना होती है। यह महामारी 1918 से 1920 तक रही और इसने मात्र दो साल में 50 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो वाकई में ये बहुत ख़तरनाक होगी। इसके चलते महंगाई बहुत अधिक हो गई थी, पावरोटी के दाम भी बहुत अधिक हो गए थे, लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता था, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी ठप हो चुके थे जो कि आज के दौर में हुए थे। लेकिन ये आज से भी बहुत ख़तरनाक बीमारी थी। अब अंतिम और चौथी बीमारी है जो कि फैली है, उसका नाम है कोरोना, COVID-19। इसको तो आप जानते ही होंगे, जो कि 2019 में फैली थी। इसे COVID-19 ही क्यों कहा जाता है, आपने कभी गौर किया है। 90 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2019 में फैली थी। ये चीन के शहर वुहान से एक लड़की के द्वारा फैली गई थी। चौक गए ना, हाँ, एक लड़की के द्वारा, और आज पूरे विश्व में तबाही का कारण है। क्या आपने गौर किया जो मैंने गौर किया? आपने गौर किया होगा कि ये सारी बीमारियाँ 100 साल के अंतराल में फैली हैं। ये सारी महामारी जो कि मनुष्य के लिए खतरनाक है, पहली महामारी जो कि चूहे के द्वारा, दूसरी भिन्न भिन्न वायरसेस बैक्टीरिया के द्वारा फैली थी, ये 100 साल का ही अंतराल है। कुछ वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट और अलग अलग रोग मानते हैं कि जितने भी ये बीमारियाँ होती हैं, जितने भी महामारी होती है, ये जनसंख्या के दबाव में फैलती है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम दो हमारे दो। इस महामारी की जानकारी स्टीफन हॉकिंग को पहले से ही थी। उन्होंने बताया था कि मनुष्य का अंत 3 तरीक़ों से होगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अगर मनुष्य ने तुरंत ही दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्ती नहीं बसाई, उसकी अंत 3 तरीक़ों से होगा। पहला, रोबोट्स के द्वारा। हाँ, रोबोट्स के द्वारा इसका अंत होगा, मनुष्य का अंत होगा। दूसरी थी प्राकृतिक आपदा, जो कि आज हम झेल रहे हैं, भूकंप, बाढ़। क्या कोरोना प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या कोरोना प्राकृतिक आपदा नहीं है? कोरोना भी प्राकृतिक आपदा है। इस तरह उनकी पहली जो थ्योरी है वो सच भी होती है। आप तीसरा भी जानिए, तीसरा था एलियन के द्वारा हमला। चौक गए ना, कितने लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन एलियन होता है, वो परग्रही होते हैं। जिस तरह हम हैं, उस तरह सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सीज में एलियन होंगे,
जो दूसरे ग्रह से अपने मौजूदगी को दर्शाते होंगे, परंतु हमारे पास उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम इनके पास अपना संपर्क भेज सकें। इसके बारे में न्यूटन आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी बोले हैं कि हो सकता है हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाए अगर हम दूसरे ग्रह पर अपने पोषण नहीं कर पाते हैं तो। इसलिए दुनिया भर की एजेंसी जैसे नासा, स्पेसएक्स, इसरो और चाइना की, पाकिस्तान की, अलग अलग देशों की एजेंसी चांद पर मंगल पर जाने की कोशिश कर रही है। इलोन मस्क जो कि जाने माने उद्योगपति हैं, जो कि स्पेस एक्स से वास्ता रखते हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, इन्होंने इंसानों से वादा किया है कि वे 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंसानों की बस्ती बसाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे, ये संभव कार्य है, परंतु वो संभव करना जानते हैं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे। नासा ने जब अपने अपोलो मिशन को भेजा था तब ये गए थे। ये तो रही विदेशी बात, अब अपने देसी पे आते हैं, वो है इसरो। इसरो को आप जानते ही होंगे, इसरो ने ये प्लान किया है कि वो भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा, वो भी 7 दिन के लिए। ये अमेजिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ना। इस साइंटिस्ट या जाने वाले को वेमनोट्स कहा जाएगा, जो कि अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए रहेगा। इसरो के चेयरमैन के सिवन आप जानते ही होंगे, उन्होंने कई ऐसे मिशन छोड़े वो भी ऐतिहासिक, जो कि नए रिकॉर्ड अपने स्थापित किए। अब वे गगनयान छोड़ रहे हैं और उनका फ्यूचर मिशन जैसे आदित्य और भी कई मिशन है, आदित्य जो कि सूर्य का स्टडी करने वाला है। आप ज़रा सोचिए, अगर हम मंगल ग्रह पर चले जाएं या किसी और ग्रह पर चले जाएं और वहाँ के जो वातावरण उनको फिर से गंदा कर दें, तो क्या हम वहाँ रह पाएंगे? नहीं, ब्रह्मांड भी अपर्याप्त हो जाएगा और हम तंग आकर एक दिन वहाँ से आ जाएंगे। अमेजिंग है ना। जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इच्छा अनुसार जो आपको वीडियो चाहिए उसी तरह से हम बनाएंगे, आप कमेंट करें। ओके, बाय बाय, जय हिंद।